चंद्रयान तीन को लेकर सारी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत इससे पहले चांद पर पहुंचने के दो प्रयास कर चुका है। चंद्रयान दो के जरिए इसरो ने कई सारा डेटा जुटाया था, जिसके बूते माना जा रहा है कि भारत चंद्रयान तीन के जरिए चांद पर पहुंचने में कामयाब रहेगा। दरअसल चंद्रयान दो की असफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान तीन को लेकर कई तरह के बदलाव किए हैं, ताकि रोवर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा जा सके। इसके लिए इस बार चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा लैंडर में भी तमाम तरह के तकनीकी सुधार किए जाएंगे, जिसकी वजह से सफल सॉफ्ट लैंडिंग की काफ़ी संभावना है। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि पिछली बार चंद्रयान दो में जो कमियाँ थी, जिसकी वजह से हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे, वो दूर कर ली गई हैं। इसलिए इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी चंद्रयान तीन के बारे में बात करते हुए मीडिया से कहा, चंद्रयान दो की तुलना में इस बार आवश्यक सुधार किए गए हैं, ताकि हम चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर पाए। दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते रुतबे से कई देशों को, जहाँ भारत की तरक्की पर गर्व है, जैसे अमेरिका गर्व करता है, वहीं कई देश जो हैं भारत के विपक्ष में खड़े हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान भारत को अपने लिए चुनौती मानते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों देश भारत की तरक्की से जलते हैं और तो भारत की ताकत में हो रहे इजाफे को अपने लिए खतरा मानते रहे हैं। एक तरफ भारत चंद्रयान तीन के जरिए चांद पर पहुंचने वाला है, वहीं चीन ने भी मानव युक्त चंद्रमा मिशन से जुड़ी जानकारियों को साझा किया है। चीनी अधिकारियों ने इस मिशन से जुड़े रिसर्च स्टेशन स्थापित करने की योजना के बारे में बताया। 2030 से पहले इस मिशन को पूरा करने की उम्मीद है। एक लैंडर और मानव युक्त अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। पूरी दुनिया इस समय चांद पर जाना चाहती है। अमेरिका ने आज से 50 साल पहले इंसान को चांद पर भेजा था। भारत चंद्रयान तीन मिशन के जरिए अपना रोवर चांद पर भेजना चाहता है। वहीं चीन चांद पर इंसानों को भेजने वाला दूसरा देश बनना चाहता है। चीनी अधिकारियों ने अपने मानव युक्त चंद्रमा मिशन से जुड़ी खोज के विवरणों का खुलासा किया है। शिनहुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन मानव युक्त अंतरिक्ष एजेंसी के उप मुख्य इंजीनियर जांग हेलियन ने बुधवार को वुहान में एक एरोस्पेस शिखर सम्मेलन में प्लान का खुलासा किया। हेलियन के मुताबिक ये मिशन 2030 के पहले होने की उम्मीद है। ये चांद पर एक रिसर्च स्टेशन स्थापित करने की परियोजना का हिस्सा है। जांग ने कहा कि चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री रिसर्च स्टेशन के निर्माण करने के लिए बेहतरीन तरीकों का पता लगाएंगे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक दो लॉन्च वाहन लैंडर और मानव युक्त अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा और वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। डॉकिंग के बाद अंतरिक्ष यान में सवार चीनी अंतरिक्ष यात्री लैंडर में प्रवेश करेंगे, जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चांद पर रहते हुए वो नमूने इकट्ठा करेंगे और कई वैज्ञानिक जांच करेंगे। यहां से बाद में वो फिर लैंडर में जाएंगे, जो उड़ान भर कर फिर से अंतरिक्षयान के साथ जुड़ेगा और वापस पृथ्वी पर लाएगा। चीनी वैज्ञानिक इस समय मिशन से जुड़ी तैयारी कर रहे हैं। वो मूनसूट मानव युक्त चंद्र रोवर, मानव युक्त अंतरिक्ष यान और मून लैंडर समेत सभी उपकरणों को विकसित करने में व्यस्त हैं। हालांकि सरकारी मीडिया ने ये नहीं बताया कि कितने अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाएंगे। चीन अपने स्पेस प्रोग्राम को तेजी से बढ़ाने में लगा है और चंद्र मिशन इसमें सबसे लेटेस्ट है। चीन स्पेस रेस में देर से आया है, लेकिन इसने तेजी से रफ्तार पकड़ी है। 1970 तक चीन ने अपना एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया था और तब अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेज चुका था। चीन ने 2013 में सफलतापूर्वक चंद्रमा पर एक रोवर उतारा। ऐसा करने वाला वो केवल तीसरा देश बन गया। तब शी जिनपिंग ने कहा कि अंतरिक्ष का सपना चीन को मजबूत बनाने का हिस्सा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।